नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेलियंडर डोमिनिक और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हमारा होंडा सीबी हॉर्नेट का स्टार्टर ब्रश को रिप्लेस करेंगे। लीनियर डायनामिक गैराज में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरा वीडियो को लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। होंडा हॉर्नेट के स्टार्टर ब्रश को बदलने के लिए आवश्यक टूल्स: 10mm साइज स्पैनर, नोज प्लेयर, हैमर, 7mm साइज स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, ब्रश। अगर आपका सामान तैयार है तो हम शुरू करेंगे। स्टेप 1, स्टार्टर को हटा दें। 10mm साइज के स्पैनर से हम ये दो बोल्ट्स खोलने से हम स्टार्टर को इंजन बॉडी से निकाल सकते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को खोलने के लिए हमको ये स्लीव को खोलना है। ध्यान दें, जब पॉजिटिव टर्मिनल को खोलते टाइम पर ये बोल्ट को हिलना नहीं चाहिए, इसलिए हम इस बोल्ट को नोज प्लेयर से पकड़ के रहेंगे। और स्टार्टर को हम इंजन से निकालेंगे। स्टेप 2, स्टार्टर को विघटित करें। सात एमएम के स्पैनर से हम ये दो बोल्ट खोलने से हम स्टार्टर को डिसमेंडल शुरू कर सकता है। मगर उससे पहले हमको मैग्नेट के डायरेक्शन मार्क करना चाहिए, नहीं तो पोलैरिटी बदलने से स्टार्टर ऑपोजिट साइड से घूम सकता है। पहले हम टर्मिनल कैप को खोलेंगे। यहाँ आप देख सकता है हमारा स्टार्टर का ब्रश टूटा हुआ है, इसलिए हमारा स्टार्टर काम नहीं कर रहा था। अब हम रोटर कैप को खोलेंगे। अब हम आर्मेचर मैग्नेट से सेपरेट करेंगे। यहाँ हमको थोड़ा मसल पावर का जरूरत है, क्योंकि आर्मेचर मैग्नेट से पकड़ा है। स्टेप 3, कटों को साफ करें। अब हम स्टार्टर के कंपोनेंट्स को साफ करेंगे। ब्रश से हम स्टार्टर के मैग्नेट को साफ करेंगे, फिर हम आर्मेचर को साफ करेंगे। और हम टर्मिनल कैप को भी साफ करेंगे। स्टेप 4, खराब ब्रश को हटा दे। स्टार्टर से ब्रश को निकालने के लिए पहले हम इस नट को लूज करें, जो पॉजिटिव टर्मिनल को पकड़ता है। फिर स्क्रू ड्राइवर से हम ये दो स्क्रू खोलने से नेगेटिव टर्मिनल के साथ साथ हम ब्रश होल्डर को भी निकाल सकता है। अब हम पॉजिटिव टर्मिनल को निकाल सकता है। स्टेप 5, नया ब्रश बदले।
पहले हम पॉजिटिव टर्मिनल ब्रश को रखेंगे और ये बोल्ट को टाइट करेंगे। इंसुलेशन प्लेट लगाने के बाद हम ब्रश होल्डर को भी रखेंगे। नेगेटिव टर्मिनल के साथ साथ हम ये दो स्क्रूज को टाइट करने से हम ब्रश होल्डर को भी लॉक कर सकता है। स्टेप 6 स्टार्टर की असेंबली। पहले हम ब्रश को ब्रश गाइड के अंदर रखेंगे स्प्रिंग के साथ। फिर दोनों ब्रश के बीच में आर्मेचर पास करेंगे। उसके बाद हम मैग्नेट कवर में इस तरह से आर्मेचर को घुसाएंगे। रोटर के कैप लगाने से स्टार्टर के असेंबली हम पूरा करेंगे।
अंत में हम ये दो स्क्रूज को टाइट करेंगे। स्टेप 7, स्टार्टर को वापस रखना। अब हम स्टार्टर बाइक में वापस लगाएंगे। रोटर के गियर में मिलावट हुआ है कि नहीं हमको कंफर्म करना है। और टर्मिनल के नट्स को टाइट करेंगे।